वेलकम टू लीगल अफेयर्स। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी सोर्सेज और सेकंड पार्ट है सेकेंडरी सोर्सेज। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्राइमरी सोर्सेज है। प्राइमरी सोर्सेज में चार आते हैं। फर्स्ट है द कुरान, सेकेंड है सुन्ना एंड अहदीस। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सुन्ना और हदीस में क्या डिफरेंस है। थर्ड है इज्मा और फोर्थ है कियास। तो स्टार्ट करते हैं कुरान से। तो मैंने आपको जैसे पहले की वीडियो में बता चुका कि जो कुरान है वो मुस्लिम्स की होली बुक मानी जाती है। होली बुक क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये कम्युनिकेशन है फ्रॉम द गॉड टू हिज प्रॉफिट मोहम्मद। तो इसलिए मुस्लिम्स इसे होली बुक मानते हैं इसे, और इसको डिवाइन कम्युनिकेशन मानते हैं। डिवाइन कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में? गॉड और प्रॉफिट मोहम्मद के बीच के। लेकिन बीच में जो ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है गॉड और मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के बीच में, उसका नाम एंजल गैब्रियल है। तो एंजल गैब्रियल के थ्रू गॉड जो है वो अपनी बातें प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुंचा देते हैं। किस लिए पहुँचा देते? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एट डिफरेंट टाइम। अलग देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के जो लाइफ है वो 62 इयर्स की थी। तो उन जब वो 40 इयर्स में जब वो प्रॉफिट हुए तो उसके बाद अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशंस आती गई। तो उस सिचुएशन और टाइम और प्लेसेस के हिसाब से गॉड ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ऐसे जो कुरान है उसके वर्ड्स उतारे। तो प्लेसेस में मैं आपको बता दूं, एक मक्का है और एक मदीना है, जिसके इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि दो प्लेसेस होली है मुस्लिम्स के लिए। एक मक्का है जहां पे इन लोग हज करने जाते हैं और एक मदीना है। अब ये जो कुरान है उसका हर एक वर्ड वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। अब थर्ड देखते हैं, द होल बुक ऑफ कुरान वॉज गिवन टू द वर्ल्ड इन स्मॉल इनकम्प्लीट पार्ट्स। अब देखिए, जो कुरान है वो पूरी एक बुक है। अब पूरे बुक एक साथ तो नहीं गॉड ने कम्युनिकेट कर दिया अपने प्रॉफिट मोहम्मद को, उन्होंने पार्ट वाइज में किया। जब जब ज़रूरत पड़े, जिस जिस टाइम, जिस जिस सिचुएशन पे ज़रूरत पड़े, उस टाइम पे गॉड ने उसको उस जो कुरान के उस स्टेटमेंट को या उस प्रिंसिपल को या उस वर्ड को अपने प्रॉफिट मोहम्मद तक भिजवाया थ्रू एंजल गैब्रियल। ये ज़रूर याद रखिए कि थ्रू एंजल गैब्रियल सब गॉड भिजवाते थे। तो कितना टाइम लगा? टोटल टाइम इसको लगा 23 इयर्स। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के जो लास्ट के 23 इयर्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 609 AD to 632 AD में प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया से चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें क्या है कि जो कुरान है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आया है, ना कि एक साथ आ गया है। तो जो कुरान छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आया है, वो उसे टोटल 23 इयर्स लग गए प्रॉफिट मोहम्मद के। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, जो आज का कुरान है जो हम लोग पढ़ते हैं, अब देखिए जब प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे जब कुरान आया था तो उस टाइम तो कुछ था नहीं लिखने को, कॉपी तो थी नहीं। तो उस टाइम जब जब जैसे जैसे आती गई आयत, तब आयत का मतलब जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो किसी ने पत्थर पे, किसी ने पत्ते पे ऐसे करके लिख लिया। लेकिन उसको बाद में जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो खलीफाज़ आए हैं, चार खलीफाज़ आए हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ फर्स्ट है अबू बकर, सेकंड है उमर सिद्दीक, और थर्ड है उस्मान, कैलिफ उस्मान, और फोर्थ है कैलिफ अली। तो ये चार जो हैं वो आए थे। तो इसमें सबसे जो अबू बकर हैं, इन्होंने सबसे पहले जो चार साल इनकी लाइफ के थे एज अ कैलिफ, इन्होंने सबसे पहला जो कलेक्ट किया वो अलग अलग जो कुरान थी के जो स्टेटमेंट थे वो अलग अलग इन्होंने कलेक्ट किए। तो इन्होंने तो इनकी तो जो कैलिफ एज अ कैलिफ ये थे वो चार ही साल थे इनकी डेथ हो गई थी 634 AD में अबू बकर की भी डेथ हो गई थी। अब उसके बाद जो थर्ड थे हज़रत उस्मान कैलिफ जो थे, उन्होंने अपने सुपरविजन में इसका कंपाइलेशन कराया, मतलब इसको चैप्टर्स में और वर्सेस में इसको डिवाइड कराया। मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स का नाम बता देता हूँ जिन्होंने हेल्प कराई थी। देखिए, फर्स्ट तो है जैद,
सेकंड है अब्दुल्ला, थर्ड है सैद और फोर्थ है अब्दुल रहमान। तो ये चार लोग के सुपरविजन में ये होली जो सैक्रेड बुक कुरान है इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था, मतलब अरेंजमेंट किया गया था। अब आज का जो कुरान है उसमें 114 चैप्टर्स हैं, जिसको हम लोग जिसको हम लोग सूरह कहते हैं, और 6,666 वर्सेस है जिसको हम लोग आयत कहते हैं। तो आयत वर्सेस को कहते हैं और जो चैप्टर्स है उसको सूरह कहते हैं। अब देखिए इतनी इतनी वर्सेस हैं, ऑलमोस्ट 6,666 हैं। तो इसमें से जो 200 वर्सेस हैं जो कुरान में, वो लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती हैं, और जिनमें कि लीगल प्रिंसिपल में जैसे मैरिज हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, डिवोर्स हो गया, थेफ्ट हो गया, ऐसी बहुत सी सिविल और क्रिमिनल प्रिंसिपल्स हैं जिनको 80 वर्सेस से 100 वर्सेस तक इसमें कुरान में बताया गया है। जैसे गैम्बलिंग हो गई, गैम्बलिंग जो है वो भी, उसका भी एक वर्स है, उसको भी प्रोहिबिट किया है कुरान में। तो अब हुआ क्या कि आफ्टर द 18 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद द उस्मान, मैंने आपको बताया उस्मान जो है वो थर्ड कैलिफ है, सेकंड उमर है, फर्स्ट अबू बकर है। तो जो उस्मान जो थर्ड कैलिफ है, उन्होंने ऑर्डर किया सेकंड रिविजन ऑफ कुरान का, जो कि आज का, जो कि टेक्सचुअल फॉर्म में वो बन के तैयार हो गया, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। अभी कुरान फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में फर्स्ट नंबर पे तब कुरान आता है, अब सेकंड पे सुन्नत आता है। अब हम लोग सुन्नत डिस्कस करेंगे। सुन्नत में दो चीज़ें हैं, एक सुन्नत है, एक हदीस है। सॉरी, सुन्नत में वो चीज़ें आती हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के एक्शंस थे, और हदीस में वो चीज़ आते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड्स थे। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब वही, जैसे कि कुरान टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन आता गया, वैसे ही सुन्नत भी प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ टाइम पे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे उनके सामने केस, जैसे जैसे क्वेश्चन उनके सामने अराइज हुए, उनके सामने आए जैसे जैसे केस, उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट दिया। तो वो एक ट्रेडिशन बन गया जिसको हम लोग सुन्ना कहते हैं। तो सुन्ना और हदीस, मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस है। सुन्ना एक्शंस है प्रॉफिट मोहम्मद के, और हदीस जो है वो उनके वर्ड्स हैं। अब देखिए तीन टाइप्स ऑफ सुन्ना यहाँ मैं आपको बताऊंगा, सुन्नतुल फैल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तुकरर। मतलब ये मोड और मैनर के बेसिस पे मैं आपको तीनों समझाऊंगा। अब सुन्नतुल फैल का मतलब होता है ट्रेडिशंस विच द प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद से किया, डिड हिमसेल्फ मतलब खुद जो वो एक्शन करते थे उसको सुन्नतुल फैल कहा गया है। सुन्नतुल कौल ये कहा गया कि जो वो वर्ड से जो कहा करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया सुन्ना और हदीस, वैसे ही ये जो सुन्नतुल कौल है वो जो ट्रेडिशंस था, जो कि वो वर्ड्स वर्ड्स जो प्रॉफिट मोहम्मद के थे, उसको सुन्नतुल कौल कहा गया है। और थर्ड जो है वो सुन्नतुल तुकरेर है, ये थोड़ा अलग है। थिंग्स डन इन हिज प्रेसेंस, इन हिज प्रेसेंस का मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के प्रेसेंस में जो कि चीज़ें की गई हैं, जो कि उस उन उन लोगों के जो उस ज़माने के जो लोग थे उनके लिए की गई हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद में उसमें डिसअप्रूवल नहीं दिखाया हो, तो उसको भी एज अ सुन्नत मान लिया गया है। तो एज अ सुन्नतुल तुकरर, जो कि चीज़ें की गई हों विदाउट हिज डिसअप्रूवल, हिज मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद। और सुन्नतुल फैल का मतलब डिड हिमसेल्फ, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद किया, और कौल का मतलब उनके वर्ड्स जो थे। तो ये तीन हम लोग ने समझ लिया है। अब सुन्नतुल तुकरर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन इन हिज प्रेजेंस पीपल डिड सम एक्ट्स, जैसा मैंने के बताया कि उनके प्रेजेंस में कुछ लोग ऐसा थे जो कुछ एक्ट करते थे विच वर अकॉर्डिंग्स विद द कुरान, लेकिन वो कुरान के अकॉर्डिंग्स था, कुरान और सुन्ना के मतलब सॉरी कुरान के अकॉर्डिंग्स था। तो द एक्ट ऑफ द पीपल विच ही अलाउड विदाउट ओपनली एक्सप्रेसिंग हिज कंसेंट थ्रू वर्ड्स वर नोन एज सुन्नतुल कौल, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो एक्ट थे वो विदाउट उनके डिसअप्रूवल के, विदाउट एक्सप्रेसिंग किसी चीज़ के, अगर वो अलाउ कर देते तो वो सुन्नतुल तुकरर मान लिया जाता था। तो थर्ड तो ये है, फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन्नतुल फैल और सुन्नतुल कौल। अब थर्ड स्लाइड पे आते हैं। जो थर्ड जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, दो डिसाइड कर लिए, द कुरान और सुन्ना।
अब थर्ड जो है वो इजमा है। देखिए, अगर कोई कोई चीज़ कुरान में नहीं है, कोई चीज़ सुन्ना में नहीं है, वैसे ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि कोई चीज़ कुरान में नहीं है। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते कि कोई चीज़ कुरान में नहीं है, लेकिन वो हदीस में 99% होगी ही, 99% होगी। लेकिन अगर हदीस में और कुरान में दोनों में नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ मुस्लिम इस्लाम का नहीं है, तो वो इजमा से डिसाइड होगा। आप इजमा क्या चीज़ है समझ लेते हैं, इसको भी थर्ड सोर्स ऑफ लॉ माना गया है। इजमा जो है वो एक कंसेंसस है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है कि मतलब कि सहमति, एक एक हिसाब से मतलब कि सहमति हो जाना। तो कई सारे मुस्लिम ज्यूरिस्ट, कोई लीगल इशू आया उस पर कई सारे मुस्लिम ज्यूरिस्ट बैठते थे, उस पर एक दूसरे से कंसेंसस हो जाती थी, तो उसी को इजमा नाम दिया गया। तो इन सिंपलर वर्ड्स में अगर कहूँ कि अगर कुरान एंड अदर ट्रेडिशंस का मतलब यहाँ पे सुन्ना और हदीस ही है। कुरान एंड हदीस में अगर कोई चीज़ नहीं दी गई है, कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की है, कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सामने आ गई है, तो वो उस टाइम के ज्यूरिस्ट बैठते थे और यूनानिमसली अपना डिसीजन देते थे, जिसको नाम दिया गया है इजमा का। यूनानिमसली का मतलब एक भी आदमी उसमें से डिसअप्रूव ना हो, सारे एक कंसेंसस पे हो, मतलब कि सहमति बन जाए सब लोगों में। जैसे कि 5 लोग हैं तो 5 लोग में ही सहमति बन जाए। अब एक ज्यूरिस्ट है अब्दुल रहीम, उन्होंने इजमा को डिफाइन किया है कि एग्रीमेंट ऑफ द ज्यूरिस्ट अमंग द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट के टाइम की ही बात की गई है। प्रॉफिट के टाइम पे जो ज्यूरिस्ट थे, मतलब उनके जस्ट टाइम की नहीं, उनके थोड़ा सा बाद भी, तो प्रॉफिट के टाइम पे जो ज्यूरिस्ट थे वो अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कोई अगर एग्रीमेंट, कोई सहमति बना लेते, तो उसे ही इजमा कहा है सर अब्दुल रहीम ने। और वो ज्यूरिस्ट कौन होते थे, उनका क्या नाम होता था, तो उनको जो नाम दिया गया है वो मुज्तहिद दिया गया है। मुज्तहिद, अब यहाँ एस लगा है, तो कई सारे मुज्तहिद बैठ के एक कंसेंसस करते थे, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे यूनानिमसली सहमति करते थे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, उसी को इजमा कहा गया है। लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो इजमा है ये कुरान और सुन्ना के कंट्रेरी नहीं होना चाहिए, कि द इजमा कैन नॉट कॉन्ट्रेरी टू द कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्ना से ही मिलता जुलता मतलब होना चाहिए, उसके उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए कुरान और सुन्ना के, क्योंकि ये जो इजमा है इसको अपनी जो अथॉरिटी है वो पावर है ये कुरान और सुन्ना से ही मिलती है। अब 2 टाइप के इजमा होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, दो एक इजमा इजमाल उम्मा होता है जो कि कम्युनिटीज कंसेंसस होता है, और एक इजमा उल एमा होता है जो कि रिलीजियस अथॉरिटीज कंसेंसस। रिलीजियस अथॉरिटीज का मतलब जो कि ज्यूरिस्ट हैं बड़े बड़े, जिनको मुश्तहिद्स कहा गया है, वो बैठ के यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन वो जो जो इजमा है वो कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए कुरान और सुन्ना के। अब लास्ट हम लोग कयास देख लेते हैं। थर्ड तीन हम लोग ने प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो फोर्थ है लास्ट कयास, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ये क्या है कि जो ज्यूरिस्ट हैं वो अगर कोई चीज़, मैंने आपको बताया कुरान में नहीं है, सुन्ना में नहीं है, ऐसा 99% होगा, लेकिन अगर इजमा से भी नहीं हो पा रही है, तो जो ज्यूरिस्ट हैं वो कुरान और सुन्ना और इजमा इसको मिला के वो एक रीजनिंग डेवलप करते हैं। मतलब एक 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 ज्यूरिस्ट ही रीजनिंग डेवलप कर, तो वो एक रीजनिंग डेवलप करते हैं बाय एनालॉगी। तो लेकिन कहाँ से करते हैं, वो ये 3 सोर्सेस से ही करना चाहिए, या तो कुरान से या सुन्ना से या इजमा से। तो अगर कोई रीज़न अगर कोई दे रहा है इन तीनों के बेसिस पे, तो उससे लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ माना गया है, जिसका नाम कयास है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो कयास है जो कि फोर्थ सोर्स है, इसको बहुत ही वीक सोर्स माना गया है। इसलिए कयास डज नॉट टू क्रिएट, देखिए कयास जो है वो कोई नया लॉ नहीं बनाता है। जैसे कि कुरान एक नया प्रिंसिपल बता रहा है फ्रॉम गॉड टू हिज प्रॉफिट मोहम्मद,
थ्रू एंजल गैब्रियल। उसके बाद सुनना भी बता रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद के एक्शंस और उनके वर्ड्स से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नए लॉ बनते जा रहे हैं कुरान से, सुन्ना से, इजमा से भी, लेकिन जो कयास है उससे कोई नया लॉ नहीं बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, बस एक एक प्रैक्टिस है जो कि ओल्ड प्रिंसिपल को, जो कि इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, कहाँ के इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, कुरान सुन्ना और इजमा के जो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है उनको ही अप्लाई करके, थोड़ा रीज़न लगा के जो ज्यूरिस्ट हैं वो नए सरकमस्टांसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी को कयास माना गया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा बताने को। अब प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, ये चार प्राइमरी सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के। अब सेकेंड वीडियो में हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।